क्वेश्चन नंबर सेवन यूज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सक्र माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स टू डू द फॉलोइंग फंक्शन इसके थ्री पार्ट्स हैं पार्ट ए है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट पी हु माइनस फोर ग्राफिक भी समझें ये है हमारा फंक्शन एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्र आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोला होगा लेकिन इसको यहाँ होना चाहिए था ज़ीरो यहाँ क्यों आए क्योंकि माइनस सेवन एक्स यानी नेगेटिव स्लोप है वो नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा है तो वो इधर आ गया और ये जो प्लस सिक्स है ये बता रहा है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा पॉइंट सिक्स पे हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव मालूम करें इसका एट पॉइंट फाइव कॉमा माइनस फोर तो पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे फिर इस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स उसमें डालेंगे एक्स कॉर्डिनेट तो स्लोप मिल जाएगा एट दिस पॉइंट तो फंक्शन है एक्सक्वे माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स तो हम लोगों ने चूंकि फार्मूले से करना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से तो एफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल देंगे तो इस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्र को ए प्लस बी होल स्क्र के फार्मूले से खोलेंगे माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन डेल्टा एक्स और आखिर में प्लस सिक्स तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फार्मूला क्या है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स तो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू डालनी है वो ये डाल देंगे माइनस एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है माइनस करके ये डाल देंगे ब्रैकेट में अब पहला हिस्सा तो एज इट इज़ उतर आएगा दूसरे हिस्से के अंदर जब माइनस जाएगी तो साइंस चेंज हो जाएंगे माइनस एक्सक्वेयर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है एक्सक्वेयर एक्सक्वेयर से कैंसिल आउट हो गया और माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन एक्स से कैंसिल आउट हो गया और प्लस सिक्स माइनस सिक्स से कैंसिल आउट हो गया अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमिनेटर में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं डेल्टा एक्स कॉमन आया तो अंदर बच गया टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेवन ये डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट भी हो गया अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं यानी जहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू है वहाँ पर ज़ीरो डाल देते हैं तो टू एक्स एज इट इज़ रहा प्लस डेल्टा एक्स की जगह प्लस ज़ीरो हो गया और ये माइनस सेवन तो इससे हमारा क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवन ये टू एक्स माइनस सेवन हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन आ गया है जो कि लीनियर फंक्शन है क्योंकि एक्स की पावर वन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा टू एक्स यानी एक्स के अलॉन्ग वन यूनिट जाने पे वाई के अलॉन्ग टू यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं जबकि वाई इंटरसेप्ट माइनस सेवन है यानी कि वाई एक्स को नेगेटिव सेवन पॉइंट पे कट करेगा अब हमने डेरेवेटिव फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है एक्स की जो कि गिवन है पॉइंट पी फाइव कमा माइनस फोर में फाइव तो ये हो जाएगी टू इंटू फाइव माइनस सेवन टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री और याद रखें डेरिवेटिव एट पॉइंट जब निकाल लें तो वो उस पॉइंट का स्लोप होता है ग्राफ में देखें इस पॉइंट पे डेरेवेटिव फंक्शन का स्लोप थ्री होगा अब इस स्लोप की मदद से यहाँ टेंजेंट बनाएंगे इसके लिए आपको स्लोप का फार्मूला याद होगा पार्ट बी है भी यही फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व वाई इजल माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स एट पॉइंट पी फाइव का माइनस फोर तो मैं क्या कह रहा था इसके लिए आपको स्लोप का फार्मूला याद होगा राइज ओवर रन स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन स्लोप को एम कहते हैं इसकी इक्वेशन होगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसमें अब वैल्यूज डालते हैं वाई माइनस माइनस फोर इजकल टू थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव याद रहे हमेशा एक्स वन और वाई वन की जगह पे ही वैल्यू डालनी है क्योंकि आपको जो एनिमेशन भी दिखाई थी उसमें सेकेंड पॉइंट को करीब लाया गया था किस पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट के और ये है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो वाई वन की जगह माइनस फोर डाला है और एक्स वन की जगह फाइव तो ये बन गया वाई प्लस फोर इजकल तो टू थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइनटीन इसका ग्राफ डॉटेड ब्लैक लाइन है हमारे ओरिजिनल रेड फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला था टू एक्स माइनस सेवन जबकि उस डेरिवेटिव का एट पॉइंट एक्स इज एकवल टू फाइव स्लोप निकाला था थ्री वहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है थ्री एक्स माइनस नाइनटीन माइनस नाइन्टीन का मतलब y को माइनस नाइनटीन पर इंटरसेप्ट कर रहा होगा जो इस वक्त काफ़ी नीचे है हमारी स्क्रीन से देखें इस टेंजेंट लाइन का स्लोप थ्री है जबकि मेन डेरिवेटिव का स्लोप टू था क्यों क्योंकि कर्व सर्विस है रेगुलरली इसका टेंजेंट हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है पार्ट सी है व्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट पी सिक्स जीरो पहले दोनों पार्ट्स को मिला के इन्होंने एक तीसरा पार्ट बना दिया स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट मालूम करने के लिए पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है ये हम सीख चुके हैं वो हम पहले ही निकाल चुके हैं पार्ट ए में टू एक्स माइनस सेवन अब स्लोप निकालने के लिए एक्स इज वल टू सिक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टू इंटू सिक्स माइनस सेवन इज ईक्ल टू ट्व माइनस सेवन इज इक्वल टू फाइव ये फाइव आपको स्लोप मिल गया है एट पॉइंट सिक्स ज़ीरो जो कि ग्रीन डॉट से शो कर रहा हूँ स्लोप ओरिजिनल फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा है ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप टू है जबकि यहाँ हमने फाइव निकाला है अब इस ग्रीन पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी पार्ट ए और बी की तरह स्लोप इक्वेशन में एम इज इक्वल टू फाइव और कोऑर्डिनेट्स एक्स वन और वाई वन वो डालने हैं एक्स वन क्या है सिक्स वाई वन क्या है जीरो तो पुट करते हैं सॉल्व करने पे इससे हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अब ग्राफ की तरफ गौर से देखें इसको ड्रॉ करते हैं बहुत स्टीप है इसकी इक्वेशन यहाँ लिख भी देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको पहले पॉइंट फाइव को माइनस फोर को देखें इसका टेंजेंट इस तरह का आएगा जूम करके देखें और सेकंड पॉइंट जो सिक्स ज़ीरो था उसको भी ज़रा जूम करके देखें उम्मीद है इस क्वेश्चन से डेरिवेटिव फिर उसके बाद स्लोप और फिर फाइनली उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा स्टडी विद मी अ लर्निंग एक्सपीरियंस